जिनकी उम्र तकरीबन अभी मात्र 56 वर्ष थी, जो अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके इसी 18 अप्रैल को इस परिवार से, इस समाज से और इस संसार से भी हमेशा हमेशा के लिए उस परमात्मा को चरणों में लीन हो, उनकी आत्मिक शांति के लिए घर पर रखे गए श्री महापवित्र गरुड़ पुराण जी का भोग आज इस पवित्र स्थान पर संपन्न होने जा रहा है। आप सब एकाग्रित होकर देखिए, तकरीबन इतना आप सब जान चुके हैं कि उन्होंने ये संसार छोड़ा कैसे, क्योंकि तकरीबन 15 अप्रैल 2017 में मंदिर में महारानी का पवित्र जागरण संपन्न हो रहा था और वो अच्छी तरह स्वस्थ। देखिए, तब मन में भय होता है या वहम आता है जब कोई बीमार हो, कोई ज्यादा बीमार हो। 2-4 महीने पहले थोड़ी बहुत समस्या हुई थी पथरी आदि की, जो तकरीबन आम समस्या है, बहुत सारे लोगों को हो जाती है, पर अब बिल्कुल स्वस्थ हो गए। जानते हैं, आप सब भी जानते हैं, मैं खुद भी जब किसी को फोन पे या कैसे बताता था ना कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो कोई मानता नहीं चल पा रहा, क्योंकि एक दिन पहले सब देख के गए, सब मिल के गए। जगराता होने के बाद भी सुबह तकरीबन 9-9:30 बजे तक मंदिर पर बैठे रहे, बिल्कुल स्वस्थ थे। ये मौत बहुत ही दुखद है। पति महान श्री अशोक शर्मा जी, छोटे भाई ललित शर्मा और भतीजा सन्नी शर्मा, जिसने अंतिम दाह संस्कार आज सब विधि विधान से किया, आज से तकरीबन 15-16 वर्ष पहले एक बहुत बड़ी दुखद घटना इस परिवार को हुई। एक ही बेटा था मेरे भाई बहन। मैं तो अक्सर कहा करता हूं, किसी का दुख अनुभव करना हो ना, तो उस जगह पर बैठ के सोचो। कभी एक पुत्र था और वो भी साथ छोड़ करके चला गया। हालांकि उसका नाम आज भी अमर है, उसी के नाम पर एक महारानी का पवित्र स्थान रमन शिव मंदिर का निर्माण है, जहां आज भी हजारों लाखों भक्त महारानी की सेवा करके अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। देखिए, जो पुत्र शोक है ना, मैंने तो तकरीबन बहुत बार नोटिस किया है, तकरीबन 14-15 वर्ष मुझे भी हो गए उस स्थान पर सेवा करते हुए। मैंने बहुत बार नोटिस किया कि जब कोई उत्सव या कुछ भी होता था तो अक्सर उनका मन भर जाया करता था। मेरे भाई कहते, माँ को बेटा कभी भूल नहीं सकता। पुत्र शोक इतना बड़ा दुख है कि दशरथ जैसे राजा प्राण खो बैठे, इतने बुद्धिमान, इतने आत्मज्ञानी, उन्होंने प्राण छोड़ दिए पुत्र मोह में, पुत्र वियोग में।
ये बहुत बड़ी दुखद घटना। उसके बाद भी परमात्मा की कृपा से बाकी तो सब कुछ तकरीबन तकरीबन अच्छा ही है। बेटी का विवाह हुआ और दामाद भी पुत्रवत मिला, पुत्र जैसा, क्योंकि मैं यहां से लुधियाना तक तकरीबन तकरीबन हर रिश्तेदारों के यहां तक जाता हूं। मैंने सबका रहना सहना, व्यवहार, जीवन जीने का तरीका सब कुछ देख रखा है। सिर्फ ये वो दुखद घटना, उसके बाद तकरीबन सब ठीक है, तो ऐसी बात नहीं। परंतु जो अभी ये दुखद घटना हो गई ना, घर पर सिर्फ पति पत्नी रह गए, बेटी का विवाह हुआ, हालांकि जब भी जरूरत पड़ती थी बेटी दामाद तुरंत उसी वक्त हाजिर रहते थे। क्योंकि मैंने बताया कि ये भी परमात्मा की एक कृपा है, कितना सुंदर घर परिवार बेटी को मिला, जिससे कोई दिक्कत ऐसी नहीं थी। वो भी जानते रहते थे और बेटी का दामाद भी आते रहते थे। इस तरह है जीवन अच्छा यापन हो रहा था, परंतु ये दुखद घटना मुझे कुछ भी बड़ा दुख है, क्योंकि परिश्रमी उनका जैसा व्यवहार था, जैसा जीवन जीने का तरीका था, आप सब जानते हैं, वो एक संत के जैसे था। बहुत सरल स्वभाव, बहुत शांत, जिसे ना बहुत दुनियादारी से मतलब। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मंदिर में कई बार कार्यक्रम महारानी का उत्सव वगैरह भी होता था, तो उनके मन में सिर्फ एक इच्छा होती थी कि यहां पर दरबार में जो आया है वो सब प्रसन्न होकर जाए, सब खुश होकर जाए, हमें सम्मान मिले ना मिले, हमारा नाम बोला जाए ना बोला जाए, हमें आगे किया जाए ना किया जाए। इस तरह एक संत जैसा स्वभाव था। परंतु मेरे भाई बहन, इस परिवार से एक पत्नी, एक मां गई है, पति का तो सब कुछ चला गया ना। मैंने पहले भी कहा सिर्फ पति पत्नी रह गए। आपने ऐसे भी देखा होगा पति को सिर्फ बाहर काम पता होगा, काम कैसे करना है, धन कैसे कमाना है, परिवार कैसे चलाना है, लेकिन घर गृहस्थी का सिर्फ पत्नी को पता होता है, पति को कुछ नहीं पता होता। इनको बाबूजी को घर के लिए नहीं पता कि कोई वस्तु कहाँ रखी हुई है, अभी तक नहीं पता। ये ऐसी दुखद घटना है कि अभी तक इसके यकीन भी नहीं हो पा रहा है कि ऐसा हुआ है कुछ। इसलिए ये जो अवस्था है ना, इतना बड़ा दुख मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं पति पत्नी इस अवस्था में साथ होना अति आवश्यक, बहुत अनिवार्य होता है। इस तरह का साथ छोड़ के चले जाना, मुझे लगता है ये ऐसी दुखद घटना ही है, कभी भूलने वाली घटना नहीं है, ये भूलने वाली बात नहीं है। मैं इसलिए इसको बार बार घटना कहता हूं क्योंकि तकरीबन किसी को 1% भी, इतनी भी उम्मीद कभी मैं सोच भी नहीं सकता था ऐसी बात हो सकती है। परिवार से एक मां गई है, मेरे भाई संसार कोई कितना भी प्रेम कर दे, कोई कितना भी प्यार कर दे, लेकिन मां का प्यार सिर्फ मां से मिल सकता है, मां का प्यार और कोई नहीं ले सकता। कहते हैं ना कि मां भी मायका किस काम का, मायकी सुबह के प्रति मांगे बिना, क्योंकि आप मुझसे पूछना कभी
इस बच्ची पर क्या बीत रही होगी जिसकी मां गई है, और उस मां पर क्या बीत रही होगी जिसकी बेटी गई है, ये अनुभव करने की बात है। मैं जो कथन बताया करता हूं कि दूसरे को समझाना तो हमें थोड़ा आसान लगता है, लेकिन बात जब खुद पर आती है बात बहुत मुश्किल लगती है, समझना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। मां के बिना बच्चा को मां का प्यार या मां का स्नेह मां का प्रेम संसार में कोई नहीं दे सकता, मां की जगह कोई ले ही नहीं सकता। मुझे शायद ही कि मां के बिना बच्चे का जीवन कैसा है, उस शायर में सुंदर शब्द रहे, जिसमें तो हो
है और इतना ही फर्क है। वैसे तो शरीर की मंत्री ही शमशान घाट है, इस शरीर की असली मंजिल शमशान घाट है। कई जगह पर साफ साफ दिया मुझे इस जमाने ने, इसे मौत सबको आई ना कर दू, किस मौत से, इसलिए भाई प्रमोद शर्मा और अमित शर्मा, बहन सोनिया शर्मा और मां सरोज शर्मा, मैं ऐसा कहा करता हूं कि भाई को कोई तकलीफ होती है ना, जितना दुख बहन को हो जाता है ना, उतना दुख केवल पत्नी को नहीं होता है, याद रखें। आप सब अपना अमूल्य वक्त दे
इस दुखद घटना में परिवार के साथ आप खड़े, आप सब बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे भाई बहन, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं कहलाती है और पहले वाला शरीर रह जाता है, इसी का नाम मृत्यु है। कर्म के संबंध से इंसान इस संसार पर आता है और कर्म क्षीण होने पर इस संसार से आंखों में आंसू भर जाता है उनके। ऐसा हृदय, ऐसा मन एक ईश्वर के आधे इंसान का ही हो सकता है, एक संत का हो सकता है, एक परमात्मा के रूप का हो सकता है, भक्त का हो सकता है। सबसे ज्यादा सब कुछ है, पर सबसे ज्यादा दुख एक पति बेटी जानते हो, क्योंकि अभी तक आज तक जो था वो संसार चला गया, उसके आधार में एक मंदिर का निर्माण हुआ, उसका नाम आज भी अमर है और पति पत्नी दोनों उस मंदिर की पूर्णतः सेवा करते हैं। और वो ऐसे धार्मिक स्थान है जहां मुझे 12-15 साल हो गए वहां रहते, बहुत सारे ब्राह्मणों का आवागमन, बहुत सारे ब्राह्मणों का वहां से परोपकार होता है। पर सबसे ज्यादा दुख एक पति को, इंसान समाज में कई बार आप सब कहते हैं ना कि वो आंसू ज्यादा तकलीफ देते हैं जो बाहर नहीं निकल पाते, वो आंसू ज्यादा तकलीफ देते हैं जो बाहर नहीं निकल पाते। और एक बेटी को, क्योंकि मैंने इतना लालन पालन करती है, बहुत अच्छी तरह उसको शिक्षित करने की कोशिश करती है, 3-4 बच्चे भी होना तो माँ उनका लालन पालन कर डालती है। वो बात अलग है कि बात इंसान इतना कुछ नहीं करता। किसी कवि ने बड़े सुंदर शब्द कहे माँ के बारे में, कितनी गरीबी में मां ने हमें पाला है। आप सब कभी मेरे बचपन में जाके देखो, कुछ याद करके देखो। आदरणीय श्री बाबा हेनरी जी चलाना जानती थी मां, बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी मां, कमी थी पर सभी खुशियां जुटाना जानती थी मां, कमी थी पर सभी खुशियां जुटाना जानती थी। हमारे पास धन संपत्ति सब कुछ होता है, फिर भी हम बराबर हर रिश्ता नहीं चला पाए हैं। गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती थी माँ, गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती थी माँ। देखिए सोचने वाली बात है, वही परमात्मा निवास करता है जिसका मन, जिसकी आत्मा
इसी परिवार से मामा जी हैं मुरादाबाद से श्री कृष्ण चंद्र शर्मा जी, उस प्रार्थना है कृपया दो चार मिनट आकर के
जहां विराजमान है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं उस लोगों की कृपया संक्षिप्त में श्रद्धांजलि रूप में भगवान के लिए कोश करते हैं।
संदेश शर्मा जी और संजीव शर्मा जी इन्होंने मेरा प्रभाव
मेरा विनम्र जरा सा पिछड़ा करके चला गया, पर जो ये परिवार साढ़े बुजुर्गों ने महान अशोक शर्मा जी ने सदा गुरु घर का आसर लिया, गुरु घर के चरणा जुड़े ने, और एक बहुत ही बड़ा फैसला परिवार ने समय लिया कि अपने छोटे बच्चे के नाल उठे बाकी का जो नाम है सारी उम्र चलता रहे। एक मंदिर का निर्माण करवाया और उस मंदिर में आज जिसे सारा परिवार सेवा कर रहे हैं, नाल ही नाल समुचा इलाका उस पवित्र स्थान बना दिया है। तो मेरा कहना भाव है कि परिवार जिन्हें सदा गुरु का आसरा या संगत की सेवा की वाणी देना जुड़े रहे और महामारी का सदा निर्माण करते हैं, अज अचानक भैन जी का चले जाना बहुत ही बड़ा दुख है। सो मैं देख रहा कि समाज में बहुत ही मंदिर सज्जन बहुत सारी महान हस्तियां अल परिवार का दुख संग्रह कर रही हैं। कहते हैं कि किसी भी खुशी में शामिल होने पर खुशी बढ़ती है और दुख में शामिल होने पर दुख घटता है। मैं थोड़ा एक एक कदम जो तुम चल के आए हो मेरे तो घर परिवार के संबंधी है थोड़ा इतने मामले में परिवार वालों अपने वालों मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता और मैं धन्यवादी हाँ साढ़े जुड़ाए श्री जूनियर हैनरी जी का और साढ़े जुड़ाए श्री रजिंदर देवी जी का जो कि कुछ समय पहला ही परिवार वाले संग्रह करने गए हैं और बहुत सारे महामंडलियाँ जागरण करने वाले सारे साथी अब अशोक शर्मा जी दुर्साना करने आया और खास करके बी एस एन एल तो बहुत ही सारे कुलीग मैंबर स्टाफ मैंबर और दीनानगर तो साढ़े काउंसलर प्रदीप जी वो भी चेचे होकर घर परिवार में दुर्साना करने आया। सो मैं परिवार वालों आज उन सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और गुरु महाराज के चरणों महामारी के चरणों में अरदास करता हूँ कि साढ़े फैमिली जी जो पवित्र आत्मा शोक संदेश आया है जो इस परिवार से खुद ही बहुत प्रेम करते हैं, बहुत दुख प्रकट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है परिवार की तरफ से। कुछ दान निकाले हैं धार्मिक स्थानों के लिए, मन के नाम पढ़ता हूं अगर उन धार्मिक स्थान को एकत्रित यहां पर बैठा हूं तो यहां आग ले सकता है, नहीं तो बाद में पहुंचा दिया है। श्री देवी तालाब मंदिर गुरुद्वारा कृष्णपुरा गुरुद्वारा पृथ्वी नगर कारमय मंदिर कुश आश्रम दुर्गा शक्ति मंदिर और गौशाला है। अगर ये स्थान को प्रतिदिन यहाँ पर बैठा हूँ तो आकर ले सकता है, मेरे बाहर में भेज दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब इस दुखद घड़ी में इस परिवार के साथ जुड़े हैं, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनील और सुनील और सुनील से रेशम बाहर और सर्वोत्तम नाम